उधर जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने कहा है कि बलोचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं रही। भारी भर काबीना के अराकीन और अवाम की खिदमत के बजाय अपनी दौलत में इजाफा करने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। कोटा में जमहूरी वतन पार्टी के सदर लालक बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि बलोचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। भारी भर काबीना के अराकीन अवाम की खिदमत की बजाय अपनी दौलत में इजाफा करने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। मुनव्वर हसन ने कहा कि फौजी क्यादत ने तजुर्बे के बाद ऑपरेशन खात्मे का ऐलान किया, लेकिन अफसोस कि अभी तक इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस मौके पर जमहूरी वतन पार्टी के सदर तलाल अकबर बुगटी ने कहा कि सूबे में मुबैना फौजी ऑपरेशन ने सूरतेहाल में मजीद खराबी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि नवाब अकबर बुगटी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जख्मों को ठंडक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि परवेज मुशरफ को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।